वेलकम टू माय चैनल और दिस इज मी खुशी। तो आज का जो मेरा रिव्यू है वो एक वॉलेट के ऊपर होने वाला है। यहाँ पे मेरे पास टू वॉलेट्स अवेलेबल है फ्रॉम स्टीम बुक। सो ये वीडियो जो है स्पेशली फॉर बॉयज है। हालांकि अगर आप वुमन हो, आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो भी देख सकते हो, क्योंकि वॉलेट्स ऐसी चीज है कि आप जो है इसको गिफ्टिंग के लिए भी ले सकते हो। सो ये एक बेस्ट ऑप्शन है और ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी और रिजनेबल वॉलेट्स हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, इन दोनों के पूरे रिव्यू देखना, आपको बहुत पसंद आने वाला है आई एम डैम श्योर। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक बटन क्लिक करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको जो है स्पेशली आप लोगों को रिव्यू देने के लिए ही परचेज किया है। और अगर आपको ये दोनों वॉलेट्स पसंद आएंगे तो इन दोनों की जो परचेस लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, यही सेम व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इनसे कांटेक्ट करके भी ये वॉलेट जो है परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए इन दोनों को अनबॉक्स कर लेते हैं और इनका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास दो वॉलेट है और इनकी पैकेजिंग देखिए गाइस, कितना फुल तरीके से पैक्ड होके मुझे मिला है। इस तरह के स्टीम बुक इनकी ब्रांड का जो नाम है और ये हर एक सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, आप इनको फॉलो कर सकते हो। मैं इनकी जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब मैं जब इसको खोल रही हूँ तो आप देखिए ये कितना अच्छे से मुझे पैक्ड होके मिला है गाइस। ये देखिए फर्स्ट मेरा वॉलेट जो है वो इस तरह का है, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, एकदम क्लासिक स्टाइल है। और ये वॉलेट्स जो है मुझे रिसीव हुए हैं फ्रॉम कोलकाता, और कोलकाता का जानते हो आप लेदर क्वालिटी सबसे बेस्ट होता है इंडिया में। सो ये जो है मैट फिनिशिंग लेदर है, शाइन फिनिशिंग वाला नहीं है, चीप क्वालिटी का तो बिल्कुल नहीं है। इसको जब मैंने ओपन किया इसमें जो स्मेल मुझे फील हुआ बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मैं इसको कहूँगी। ये एकदम रॉयल लुक देगा, आप इसको कहीं पे भी अगर वेयर करते हो, अपना पर्स निकालोगे तो आपको ये रॉयल लुक देता है। साथ ही ये गिफ्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत हैंडी है। नॉर्मल आपका साइज है, सेम उतने ही साइज का ये वॉलेट भी मिलेगा आपको। चलिए इसको खोल लेते हैं। इसको खोलते ही यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें मुझे तीन कार्ड होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे जो है एक पॉकेट मिल रही है। अगेन यहाँ पे इन्होंने एक और स्पेस दे रखी है और यहाँ पे भी आप अपना कार्ड और कुछ मनी वगैरह कैरी कर सकते हो। फिर सेकेंड कंपार्टमेंट में जब मैं आऊंगी तो अगेन यहाँ पे मुझे थ्री मोर कार्ड होल्डर मिलेंगे और अगेन यहाँ पे भी कार्ड होल्डर, मतलब आप इसमें टोटल 9 कार्ड्स रख सकते हो या उससे भी ज्यादा रख सकते हो। और आपको यहाँ पे साइड में भी स्पेस जो है अच्छी खासी मिल जाती है, देखिए दोनों तरफ आपको स्पेस मिलेगी। ये देखिए ये जेन्युइन लेदर है गाइस, कुल चीप क्वालिटी लेदर नहीं इन्होंने यूज किया है, जेन्युइन लेदर है। प्लस यहाँ पे इसमें दो कंपार्टमेंट आपको मिलेंगे। फर्स्ट देखिए ये है, ये जो अंदर का कपड़ा है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये डार्क ब्राउन कलर का है। और ये देखिए सेकेंड वाला कंपार्टमेंट कितना बड़ा है, इसमें आराम से 500, 200 और 2000 के नोट्स कैरी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पास 500 की नोट है, कितना आराम से इसमें आ जा रही है, इन बहुत सारी स्पेस भी आपकी बच रही है, तो 2000 की नोट भी आपकी आराम से आ जाएगी। ये देखिए ये 200 की नोट है, ये भी आपकी आराम से इसमें आ जाएगी और इतना स्पेस और बच रहा है, आप यहाँ भी कैरी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। सो ये एक बहुत अच्छा, और बाकी ये देखिए इसकी क्वालिटी देखिए, इसको इतना ज्यादा फोल्ड करने के बाद भी कहीं से भी श्रिंक कुछ नहीं हुआ। देखिए एक्चुअली इसमें ये जो कार्ड्स डाले हैं इसकी वजह से अच्छे से फोल्ड नहीं हो पा रहा, बट मैंने कार्ड्स निकाल के पूरा फोल्ड किया था एंड ये जस का तस था, इसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। सो अगर आप बहुत ज्यादा कार्ड्स कैरी करते हो और नोट्स कैरी करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक वॉलेट ऑप्शन हो सकता है। इवन इसका कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें एक और कलर आपको डार्क ब्राउन शायद मिल जाएगा, अगर मुझे उसकी लिंक मिलेगी तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मुझे ब्राउन कलर बहुत पसंद आया, एक्चुअली ब्राउन ब्लैक ये सारे कलर्स मोस्टली बॉयज को पसंद आते हैं, इसलिए मैंने ब्राउन ही पिक किया। आप अपने फादर को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को गिफ्ट भी कर सकते हो। इवन बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही रिच क्वालिटी का ये वॉलेट मुझे रिसीव हुआ है और ये ज्यादा ये थिक वॉलेट नहीं है, बाकी सारे वॉलेट
थोड़े मोटे हो जाते तो ये बहुत इजीली आपके पॉकेट में रहेगा। जीन्स वगैरह अगर आप टाइट पहनते हो तो भी ये अच्छे से फिट रहेगा। अब जब इसको टच करोगे तो आपको जो है इसकी सॉफ्टनेस एकदम पता चलेगी। जेन्युइनली बहुत ही अच्छा वॉलेट है क्वालिटी वाइज, और इतने कम रेट में ये आपको मिल रहा है। इसका रेट बताऊं तो ये मिल रहा है मुझे ₹499 में। क्योंकि यहाँ पे जो है लोगो की ब्रांड नेम है वो भी मिल जाए। सेकंड वॉलेट खोल लेते हैं। सेकंड वॉलेट को खोलने पे ये भी अगेन देखिए इतना अच्छे से पैक्ड होके मुझे रिसीव हुआ है। सेकंड वाला वॉलेट जो है मैंने मंगवाया है ब्लैक इन कलर, और इसकी फिनिशिंग देखिए गाइस आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। मैं आपको कैमरे से जूम करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा आपको इस पे शाइन दिखेगा, और इस तरह का ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट लेदर है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो सेकंड क्वालिटी है, मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखिए कितना यूनिक दिख रहा है। यहाँ पे इनका जो ब्रांड नेम है वो मिल जाएगा आपको, स्टीन बुक। और इसको खोल के दिखाऊं तो इसमें यहाँ पे अगेन आपको तीन कार्ड होल्डर मिल जाते हैं। ये इन्होंने ऐसी कार्ड लिखी रखी है। अपने तरफ जो है अगेन आपको कुछ अपना पर्सनल चीज रखना है तो आप रख सकते हो, ये प्लास्टिक का है। फिर यहाँ पे अगेन आपको तीन कार्ड होल्डर मिल जाएंगे। यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है छोटा सा, वहां पे भी आप अपना सामान रख सकते हो। इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा। पे जो है आप अपना कॉइन्स वगैरह कैरी कर सकते हो। और ये भी अगेन जेन्युइन लेदर से ही बनाया गया है, बट इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ये मैट फिनिशिंग में नहीं है, ये थोड़ी सी शाइनी शाइन फिनिशिंग है। और अगेन इसमें आपको दो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। सी डार्क ब्राउन कलर का ये जो इन्होंने कपड़ा दे रखा है, बहुत सुपर क्वालिटी का कपड़ा है। मैं इसमें भी आपको नोट्स डाल के दिखा देती हूँ। देखिए मेरे पास 500 के नोट है, तो इसमें 500 और 2000 के नोट्स इजीली आ जाते हैं। देखिए कितना ज्यादा स्पेस बच रहा है। और ये देखिए 200 की नोट, ये भी मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। तो ये बहुत सारा स्पेस जो है बचाता है आपकी। अगर आप कार्ड के साथ कॉइन्स रखना भी पसंद करते हो तो आप डेफिनेटली इस वॉलेट के लिए जा सकते हो। दोनों वॉलेट की क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा ऑसम है, बहुत ब्यूटीफुल है क्वालिटी वाइज। इनकी सबसे अच्छी बात है इनकी वेराइटीज आपको बहुत मिलेगी, क्योंकि इतने ज्यादा कार्ड रखने के ऑप्शन जो है आपको दूसरे वॉलेट में इतने कम रेट में नहीं मिलेंगे। अगर आपको इतने सारे कंपार्टमेंट चाहिए तो आपको जो है थोड़ी हाई रेंज के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो है ₹499 में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। देखिए आप, मैं इसको पूरा फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए फिर भी ये कहीं से ना श्रिंक हुआ, ना इसमें कोई दाग आया, ना कुछ आया। बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है दोनों ही वॉलेट। आपको जरूर जरूर इस वॉलेट के लिए जाना चाहिए। बहुत एलिगेंट लुक है इन दोनों ही वॉलेट के, और बहुत सिंपल दिखते हैं। ये देखिए कैसी फिनिशिंग है। और ये देखिए इनको आप खोलोगे ना वैसे ही आपको इसके लेदर की स्मेल आएगी। आप जब भी लेदर की चीजें लेते हो तो लेदर में से एक अलग से आपको स्मेल महसूस होती है, सो वैसा ही इनके साथ भी होगा। और बहुत आर ब्यूटीफुल। इसमें आपको टोटल 6 कार्ड होल्डर मिलेंगे, प्लस आपको 1, 2, 3, 4 कंपार्टमेंट और 5 कंपार्टमेंट अलग से मिलेंगे। और इसमें आपको टोटल 9 कार्ड होल्डर मिलेंगे, 6 कंपार्टमेंट मिल जाएंगे। सो दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। आप जो है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपना वॉलेट चूज कर सकते हो। आप जो है इसको जरूर परचेस करना, और इनकी परचेस लिंक और बाकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है ऑलरेडी। मेरे लिए इन दोनों वॉलेट को अब बिग थम्स अप है। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इन वॉलेट रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही साथ ये जो है ये दोनों वॉलेट आप अगर इसको इस्तेमाल करोगे तो आपकी पर्सनालिटी इनहेंस कर देगा। आपका पर्सनालिटी है उसमें एक रॉयल लुक लेके आएगा। सो आपको डेफिनेटली इनके लिए जाना चाहिए। सो गाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा आज का रिव्यू, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और लास्ट में मैंने अपनी फेसबुक और इंस्टा आईडी दे रखी है, मुझे वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हो। और मेरी सेकंड चैनल मैंने स्टार्ट की है के एंजल BEB फैशन गर्ल, सो मेरी सेकंड चैनल को भी बिल्कुल चेकआउट करना। अगर पसंद आती है तो मुझे वहां पे भी आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां मैं अपने फेस वीडियोस डालती हूँ और वहां बहुत सारी नई नई चीजों का भी रिव्यू करती हूँ, तो प्लीज मुझे वहां पे भी फॉलो जरूर करना। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।